अब देखिए यहाँ पर सीखेंगे कोण नापना, तो कोण कैसे मापा जाता है ये सीखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोण है ना, हमें मापना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन दिखाया पड़ रहा है सीधा लाइन, इस पर क्या रखते हैं, चांद रखते हैं, चांद। तो चांद रखने का क्या होता है, तरीका होता है, और कुछ मापने का तरीका होता है, यही आपको सिर्फ सीखना है, बहुत आसान है। तो देखिये ये कोण यहाँ से यहाँ क्या करना है, ये जो है ना ये कोण हमें मापना है। तो क्या करेंगे, एक जो किरण है, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, चांद रखेंगे। तो चांद ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना ये चांद जो ऐसे बनाया हो रहा था, ठीक है, बनाया हो रहा था ना, इस पे क्या, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बिंदु पर रखना है, बिंदु, ये जो बिंदु दिखाई पड़ रहा है यहीं पर रखना है चांद, ठीक है, ये कोना पे। तो ऐसे जो बनाया हुआ ना, तो इस ये कोना क्या करेंगे, ये चांद के कोना पर रखेंगे। तो रख दिए सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर है ना लाइन एकदम मैच करना चाहिए, ठीक है ना, एकदम लाइन देखिए एकदम मैच करना चाहिए, मैच, ठीक है, एक के ऊपर रहना चाहिए। ये जो है ना ऐसे मापना है ना, तो ये जो लाइन है ना, ये जो चांद में जो ऐसे लाइन बनाया हुआ ना ये, तो ये लाइन से क्या होना चाहिए, ये लाइन से ये लाइन एकदम मैच करना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर देखिए एकदम लाइन से क्या हो रहा है, एकदम लाइन से क्या कर रहा, मैच कर रहा, एक के ऊपर रहना चाहिए, हो गया। और यहाँ ये हो गया, उसके बाद ये क्या, ये यहाँ पर कोना पर रखे, कोना पर। तो चांद क्या, चांद ऐसे बनाया हुआ है ना, तो ये जो कोना है ना ये कोना यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, रख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से माप रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, जीरो से मापेंगे, जीरो। तो देखिए यहाँ पर चांद में क्या दिक्कत होता है ना, यहाँ से भी जीरो स्टार्ट होता है, और यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी जीरो स्टार्ट होता है, दो का बनाया हुआ था। क्यों बनाया हुआ था, अगर इधर से मापेंगे ना कौन, तो जीरो इधर से लेंगे, समझे, अगर इधर से मापेंगे ना तो इधर से लेंगे, ठीक है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है। तो माप रहे हैं किधर से, इधर से माप रहे हैं, तो जीरो वाला जीरो से पढ़ेंगे, जीरो, तो जीरो क्या, ये वाला जीरो है ना वो पढ़ेंगे, ये नहीं कि 180 डिग्री से पढ़ने लगेंगे, नहीं, यहाँ से जीरो वाला से लेंगे, ठीक है। तो देखिए जीरो ऊपर है ना, तो हम ये यही देखेंगे, जीरो 10 20 30 40 50 60 है ना, ये देखेंगे, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला से हमको मतलब है, खाली ऊपर वाला, नीचे वाला से ये है ना, ये से हमको मतलब नहीं है। ये से मतलब कब होता है, ये जीरो कब लेते हैं, जब इधर से मापते हैं ना, इधर से तब लेते हैं, ठीक है। हम इधर से माप रहे हैं तो इधर से लेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 इधर है ना, इधर से लेंगे। अब देखिए अब ये कोण क्या यहाँ पर हो गया ना, तो हम माप ही सकते हैं। तो देखिए ये क्या, ये जो रेखा है ना क्या 40 और 50 के बीच में है, ठीक है, बिल्कुल बीच में है। तो 40 और 50 के बिल्कुल बीच में कितना, 45 हो जाएगा, ठीक है। इसमें खाना बनाया हुआ रहता है छोटा छोटा पतला पतला, तो जितना आगे होगा उतना ही मान होगा। तो देखिए 40 और 50 के बीच में है, तो क्या 40 और 50 के बीच में कितना, 45 हो जाएगा। तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कहाँ से मापे हैं, ध्यान से समझिएगा, जीरो से मापे हैं, जीरो। आपको 180 170 160 इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है ना कि ये जो कोण है ना, ये सब कोण हमें क्या करना, मापना है, कैसे, चांद से मापना है, चांद से। तो देखिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, तो चांद यहाँ पर एकदम सीधा रखेंगे, सीधा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ रहता है ना चांद, ठीक है। अब जीरो क्या, जीरो वाला देखेंगे, जीरो जीरो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जीरो ऐसे ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या हमको इधर से इधर मापना है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ से हमको इधर से इधर मापना है, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हो रहा था जीरो 180 लिखा हुआ, तब हम जीरो वाला देखना है, 180 वाला हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होगा कि 180 से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो से लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब चांद हम सीधा रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ ना, तो इसके एकदम कोना पर रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीरो वाला से लेंगे ना, जीरो से पढ़ेंगे 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो देखेंगे ना कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 60 लिखा हुआ, समझे, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 10 20 30 40 50, और यहाँ पर 60 लिखा हुआ। तो समझ जाएंगे कि के कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। जब ये रेखा क्या कर गई, ये रेखा ना एकदम 60 पे मैच करेगा, तो 60 डिग्री, और ये रेखा क्या 0 डिग्री पे एकदम रहना चाहिए, समझे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये रेखा एकदम 0 डिग्री पे है, और ये देखेंगे ना यहाँ पर क्या, यहाँ पर पठन 60 लिखा हो जाएगा, तो 60 के जब सामने है तो क्या हो जाएगा, 60 पे मैच करेगा, तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, इस पे बीचों बीच चांद पे ऐसे बनाया हुआ रहता है ना ऐसे, तो ये वाला जो बिंदु है ना क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ कोना पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, चांद को रखते हैं इस पे, तो चांद क्या ऐसे एकदम बनाया हुआ सीधा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर से माप रहे हैं ना, इधर से माप रहे हैं, तो जीरो वाला देखेंगे, जीरो इधर वाला देखेंगे, जीरो 10 20 30 40 ये वाला देखेंगे, यहाँ 180 से स्टार्ट होते हैं, 180 170
ये नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चांद रख लिए, अब देखेंगे ना कि यहाँ से जीरो वाला से पढ़ेंगे, जीरो दस बीस तीस ऐसे लिखा हो रहेगा, तो देखते क्या है ना कि चांद है ना, तो ये जो रेखा ना, ये रेखा दम किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो ये कोण कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह इसको मापेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, चांद को यानी किसी एक पर रखिए, इस पर रखिए या फिर इस पर रखिए एकदम सीधा, ठीक है। तो चांद को हम ऐसे ऐसे करके टेढ़ा करना पड़ेगा। अब ये बिंदु है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस पे रखेंगे, इस पे, ठीक है। या फिर आपको इस पे रखने का मन है तो चांद को ऐसे टेढ़ा रखना पड़ेगा, और ये जो बिंदु है ना, इसको यहाँ पर रखिए, और ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये बिल्कुल इस पे रखिए, ठीक है। और फिर मापिए तो निकल जाएगा। तो सारा कोण इसी तरह से क्या करना है, मापना है। एक और आपको बता देते हैं कैसे चांद से मापेंगे, तो कोई आसान वाला आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सो इस पर चांद रख दिए, ठीक है, एकदम सामने, तो देखेंगे 90 डिग्री पे आ रहा है। कैसे मापेंगे, इधर से माप रहे हैं ना, तो देखेंगे क्या, जीरो से पठन लेंगे, जीरो से, जीरो दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर, देखेंगे कि ये 90 पे आ गए। ये जो है ना चांद, इस पर ऐसे रखे हैं ना, ऐसे एकदम सीधा, देखेंगे कि यहाँ से 90 लिखा हुआ, तो यहाँ से जीरो दस बीस तीस ऐसे बढ़ेंगे ना, तो देखेंगे 90 पे है। तो क्या हो गया, ये कोण जो है ना, ये कोण 90 डिग्री हो गया। हमको मापना है क्या, इधर से मापना है, इधर से, तो चांद ऐसे रहेगा ना ऐसे, तो हम जीरो वाला लेंगे, जीरो दस बीस तीस चालीस पचास, ये लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब नाम में छिपे कोण, तो नाम कोई लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो उसमें कौन कौन सा कोण बनाता है ना, वही हमें पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला बात समझना है क्या है, कोण बनाने के लिए क्या एकदम किरण रहना चाहिए या फिर रेखा रहना चाहिए, एकदम सीधा वाला रहना चाहिए, सीधा वाला, समझे। ये क्या, देखिए ये मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसको बोलते हैं किताबी भाषा में वक्र रेखा, ठीक है। तो वक्र रेखा, टेढ़ा मेढ़ा रेखा नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, सीधा। जैसे देखिए ये क्या टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो ये क्या, ये कोई कोण नहीं बनाएगा, समझे। तो ये देखिए सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, एकदम है ना सीधा, ये सीधा, ये सीधा, तो ये सब क्या, ये सब कोण बनाएगा, लेकिन ये जो मुड़ा हुआ रेखा वक्र रेखा, ये कोण नहीं बनाएगा। देखिए यहाँ पर के कोई कोण नहीं बना, यहाँ पर है ना ऐसे सीधा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्या, ये टेढ़ा आ गया, तो ये कोई कोण नहीं बनाएगा, समझे। इस तरह से अगर रहता ना, इस तरह सीधा, ये भी सीधा, तब कोण बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर खाली यही ध्यान रखना था, उसके बाद तो आसानी है सारा। अब यहाँ पर गौतम लिखा हुआ, GAUTAM, गौतम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गौतम के नाम में 5 समकोण है, तो पहला समकोण ये हो गया, क्योंकि ये उल्टा एल है, एक समकोण हो गया, 2, 3 और 4 और 5, तो 5 समकोण हो गए। यहाँ पर एक एल है और एक एल ऐसे है, एक सीधा एक टेढ़ा, तो 2 यहाँ पर बन गया, और एक ऐसे एल है एक ऐसे एल है, तो एक कोण यहाँ एक कोण यहाँ, तो 5 को क्या बन गया, समकोण बन गया, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, 5 ऐसे कोण है जो समकोण से अधिक है, ठीक है, और 8 को समकोण से क्या कम है, समकोण से कम यानी क्या, न्यून कोण, समकोण से अधिक यानी अधिक कोण, तो 5 को क्या अधिक कौन है, कौन कौन सा है, ये 1, 2, 2 हो गया, उसके बाद देखिए उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया, उसके बाद जो बचा है वो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया यानी समकोण से कम, तो 8 को समकोण से कम है कौन कौन सा, 1, 2, 3, 3 हो गया, उसके बाद देखिए 4, 5, 6 और ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो क्या एल से क्या है? कम है एल, तो ये सब जो जो है ना 8 को, तो ये सब क्या है, कोई भी एल है ना, कोई सीधा है या टेढ़ा है, फिर ऐसे है या ऐसे है, ठीक है, तो 3 को टेढ़ा है, वो सीधा रहता है, तो कोई भी एल नहीं बना रहा है, सबसे क्या कमी है, तो 8 को क्या हो गया, समकोण से कम है यानी न्यून कोण है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से अपने साथी का नाम लिखिए एवं उसमें छिपे कोणों को बताइए, तो कैपिटल लेटर में क्या करना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है, और उसमें कौन कौन सा कोण छिपा हुआ है ना, ये बताना है। जैसे यहाँ पर छिपा हुआ था गौतम के नाम में, गौतम के नाम में बताया ना कितना समकोण है, कितना न्यून कोण है, कितना अधिक कोण है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको बताना है। यहाँ पर क्या करना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है, और इतना कितना कोण है ये भी बताना है। तो देखिए के को बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 दोस्त के नाम लिखना है, ठीक है, और बताना है कि कितना कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं राहुल ले लेते हैं, राहुल आर हो गया, बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले, ये हो गया एच हो गया, ठीक है, यू हो गया, एल हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, 90 डिग्री हो गया,
अरे क्या ये तो टेढ़ा बन रहा, तो ये क्या होगा, ये कोई कोण नहीं बनाएगा। आपको बता चुके एकदम सीधा रहेगा ना, सीधा उधर इस तरह से कुछ भी, तब जाके कोण बनेगा। अब आगे देखिए, ये हो गया एल के रूप में, तो यहाँ पर कोण बन गया चार गो, चार गो कौन सा समकोण, हो गया खत्म। उसके बाद देखिए ये दोनों है ना, ये दोनों क्या है, एल से ज्यादा है। देखिए एल क्या होता है, एल क्या होता है, एल ऐसे होता, तो यहाँ पर क्या एल से ऐसे टेढ़ा है, तो एल से ज्यादा है ना, ठीक है। एल क्या होता है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल क्या होता है ऐसे होता है, लेकिन एल क्या यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या, ये जो है ना, ये क्या है, एल ऐसे होता है तो ऐसे है, एल से कम है तो क्या है, न्यून कोण है। अब यहाँ पर ये समझिए, ये क्या, ये कर्व है ना, कर्व यानी वक्र रेखा, ये तो सीधा है लेकिन ये वक्र है, तो ये क्या कोई कोण नहीं बनाएगा। अब आप देखिए, गिनिए कि कितना समकोण है, कितना न्यून कोण है, कितना अधिक कोण है, ये क्या है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण हो गया। उसके बाद देखिए, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, जो चार गो हो गया, तो चार गो क्या हो गया, समकोण से कम हो गया, तो चार यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद समकोण कितना, समकोण देखिए ये एक दो तीन चार और एक पांच हो गया, पांच गो समकोण हो गया, पांच लिख दिए। देखिए समकोण से अधिक कोण का, ये है और ये है, और कोई बचा नहीं है, ठीक है, तो कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है, दो हो गया खत्म। तो पांच गो समकोण हो गया राहुल में, और समकोण से कम कोण चार गो हो गया, और समकोण से अधिक कोण दो गो हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कुछ छूट नहीं रहा होगा, एक समकोण और चार गो यहाँ पर है, तो पांच गो हो गया, और कोई समकोण नहीं बन रहा था, पांच यहाँ पर लिख दिए। फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि इसको ध्यान से बनाना पड़ता है ना। समकोण से कम कोण कितना है, एक दो तीन और चार हो गया, और तो नहीं बन रहा, तो यहाँ पर चार लिख दिए। समकोण से अधिक कोण कितना बन रहा है, एक बन रहा है, दो बन रहा है, ठीक है, और कहीं तो बन नहीं रहा, तो दो लिख दिए। और यहाँ ध्यान से समझिएगा कि ये वक्र रेखा है, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये सब कोई कोण नहीं बनाएगा, और ये भी कोई कोण नहीं बनाएगा, तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर राहुल लिख देते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर में, तो हो गया आंसर। तो आंसर हो गया, लिख दिए राहुल, पाँच चार दो। इसी तरह आपके आप चारों नाम लिख लीजिएगा कैपिटल लेटर में, और इसी तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपके दोस्त का क्या नाम है, हमको तो पता नहीं है, तो आपको खुद बनाना होगा। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप दोस्त का नाम जो बड़ा रहेगा ना, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो मत लीजिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा। अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं तो वैसे दोस्त का नाम लिखिएगा यहाँ पर कैपिटल लेटर में, ठीक ना, जिसके नाम में क्या हो, कम लेटर हो। जैसे मान लेते हैं राम है, राम, तो ये तो बहुत आसान है, आराम से गिन लेंगे। जैसे आलोक है, तो चार ही गो है लेटर, तो आराम से गिन लेंगे। उसी तरह रहेगा जैसे हिमांशु रहेगा, तो हिमांशु में क्या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पर आप थोड़ा चला के दिखाइए, छोटा सा नाम लिखेगा, राम सोहन आलोक, इस तरह से छोटा सा नाम लिखेगा, छोटा सा, तब आपको कम मेहनत करना पड़ेगा कौन गिनने में। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, योग में छिपे कौन, योग यानी जो योगा करते हैं ना, वो योग। अब देखिए क्या है, ये पैर और इसके जो पेट के बीच में 90 डिग्री, तो क्या हो गया, ये समकोण हो गया। उसके बाद देखिए ये और ये पैर, तो ऐसे बन रहा है ना, तेल से कम है, तो क्या हो गया, इसमें भरेंगे न्यून कोण। तो यहाँ पर देखिए इसका बना रहे हैं, ऐसे बन रहा है, तेल से क्या कमी है ना, एल तो ऐसे रहता है ना, तो ये क्या कम है, कम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया न्यून कोण। और ये क्या, ये एल से ज्यादा है, एल से ज्यादा है, देखिए एल ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन एल से क्या, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक कोण। ये तो एल तो नहीं दिखाई पड़ रहा, ये तो एल है नहीं, एल थोड़ा सा सीधा रहेगा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिक कोण, ये समकोण, ये न्यून कोण, ये न्यून कोण। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास 1 सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आप कितना समझे हैं, ये आपका समझिएगा टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से समझे हैं तो झटझट जवाब दे दीजिएगा, नहीं समझे हैं तो फिर से यहाँ पर ध्यान से समझिए, या फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभ्यास 1 में क्या लिखा हुआ, क में लिखा हुआ खाली स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ पर पहला है समकोण से छोटा कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है बंद आकृति के अंदर के कोण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं, तो यहाँ पर अंतः कोण लिखेंगे। थर्ड है समकोण से बड़ा कोण क्या होता है, समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिक कोण। फोर है कोण मापक की सहायता से हम डैश को मापते हैं, तो कोण मापक की सहायता से हम कोण को मापते हैं, इसी में लिखा हुआ कोण मापक, यानी कोण को मापेंगे, तो यहाँ पर कोण लिख देंगे।
ख में देखिए क्या लिखा हुआ, सही पर सही एवं गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो फर्स्ट में लिखा हुआ एल आकृति में बने कोण को अधिक कोण कहते हैं, तो एल आकृति बन गया। ये कोण बनता है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अधिक कोण बोलते हैं, तो ये क्या है, गलत है। देखिए सेकंड है, समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है। नहीं, समकोण से बड़ा कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि न्यून कोण कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। न्यून कोण कहलाता है कौन, 90 डिग्री से कम रहता है लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा रहता है। थ्री है, बंद आकृति के अंदर के कोण वहां कोण कहलाते हैं। तो बंद आकृति के अंदर के कोण क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं, अंतः यानी अंदर। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वहां कोण कहलाते हैं, तो गलत है। वहां कोण कौन कहलाते हैं, बंद आकृति के बाहर के कोण वहां कोण कहलाते हैं। ब से बाहर होता है, ब से बाहर होता है। फोर है, प्लस योग चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कोण छिपा हुआ है, 1 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 और 4 90 डिग्री। टोटल मिला के क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। और कितना समकोण बन रहा है, कितना, 1 2 3 4, 4 को समकोण बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, प्लस योग चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं। हाँ सही बात है। फाइव है, अंग्रेजी के अक्षर एच में समकोण का कोण होता है। सही बात है, तो सही कटिक मारते हैं। तो एच में क्या होता है, राहुल में आपको बताएं एच, तो ये कोण 2 3 4, तो चारों क्या है, समकोण ही है, क्योंकि सब क्या है ना एल बना रहा है, एल, ठीक है ना, सब क्या है, सब एल बना रहा है। देखिए एल 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 एल, तो चारों को समकोण है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एच में ना समकोण का कोण होता है, तो सही है, टिक मार दिया। ग में बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें, एक शब्द में। तो फर्स्ट है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इस चैप्टर में जो कोण पूछ रहा है ना, तो बस तीनों का कोण बताया गया इस चैप्टर में, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो यहाँ क्या बोला, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो बस 3 लिख दिए। एल जैसी आकृति में बना कोण कौन सा कोण कहलाता है, तो समकोण कहलाता है, समकोण। ये 3 में सवाल पूछा जा रहा है, किसी ठोस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सममिति रेखा कहते हैं, सममिति रेखा। जैसे किसी ठोस वस्तु, जैसे मान लेते हैं रबर है, तो उसको 2 भागों में बांटेंगे ना, तो बांटने वाली जो रेखा होगा ना, उसको सममिति रेखा कहते हैं, ठीक है। ये सममिति रेखा के बारे में आपको पढ़ना अगले चैप्टर में, तो सममिति पढ़ाएंगे। तो अगले चैप्टर से ये सवाल दे दिया है इस चैप्टर में, लेकिन आप सबको कन्फ्यूज़ करने के लिए, आप सबको परेशान करने के लिए, लेकिन हम बता दिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर में बोल रहा है, अंग्रेजी के एच अक्षर में कुल कितने समकोण हैं। अंग्रेजी के एच अक्षर है ना, कैपिटल एच, तो कितना समकोण है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 समकोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, हो गया खत्म। तो यहाँ पर क्या, एक बार ऐसे जो कैपिटल एच है ना, तो एक एल ऐसे, एक एल ऐसे, एक उल्टा, एक उल्टा, ठीक है। तो सीधा एक गो, बाकी सब क्या हो रहा है, 1 2 3 गो उल्टा बन रहा है। 5वां सवाल पूछ रहा है, अधिक कोण का एक उदाहरण दें। तो लिखेंगे दरवाजा खोलने पर बना कोण। तो दरवाजा खोलते हैं ना, जैसे मान लेते हैं दरवाजा, दरवाजा भी लगा हुआ, आप यहाँ से क्या खोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा, मान लो दरवाज़ा खोल के ऐसे ला दिए ऐसे, ठीक है, तो क्या हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया। तो अधिक कोण का एग्जांपल हो ये हो गया। तो दरवाज़ों को क्या, अगर हम यहाँ पर मान लेते दरवाज़ा है, इसको क्या, इसको ये 90 डिग्री बन गया, इसको दरवाज़ा खोल के यहाँ ला दिए, ठीक है, दरवाज़ा को खोल के क्या किए, यहाँ पर ला दिए, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बना ना, तो क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, अधिक कोण। एक घर में बोला जा रहा है, माचिस की तीली एवं रबर ट्यूब से 3 4 5 और अधिक तिलियां लेकर आकृति का निर्माण कीजिए। बिल्कुल इस प्रकार से निर्माण करना, बिल्कुल इस प्रकार से निर्माण करना। देखिए 3 गो तिली लेंगे तो इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा, 4 गो लेंगे तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है, 4 गो वर्ग बन जाएगा। 5 गो लेना तो कितना, 3 गो ले लें, 4 और 5 हो गया। इसी तरह और तिली लेकर आप बनाइए, और किनारे किनारे पे क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ट्यूब लगा देंगे ताकि जुट जाए, समझे, किनारे किनारे, बिल्कुल इस प्रकार से। तो आप बनाइए, आपको बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए मिलान कीजिए, आगे बढ़ते हैं, मिलान कीजिए, तो मिलान करना है।
तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण है, बस तीन गो है, तो आपको मिलान करना है। तो देखिए समकोण, तो ये क्या है, ये समकोण है, एल बन रहा है ना, 90 डिग्री है, तो समकोण तो मिला देते हैं, मिला दिए। अब अधिक कोण, तो अधिक कोण है ना, ये क्या है, ये ऊपर वाला से मिलेगा, ऊपर वाला से, तो देखिए ऊपर कहाँ है, ये देखिए ये अधिक कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना एल ऐसे बनता है ना, तो एल से क्या ये ज़्यादा ऐसे टेढ़ा है ना, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे टेढ़ा है, तो एल से क्या ज़्यादा है, अगर ऐसे रहता ना सीधा तब एल बनता, तो क्या हो गया अधिक कोण हो गया, मिला दिया अधिक कोण। और न्यून कोण क्या होगा, सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में, तो न्यून कोण क्या कीजिए, ऐसे करके मिला दीजिए, सीधा मिलाना है स्केल से। तो ये हो गया समकोण, ये हो गया न्यून कोण और ये हो गया अधिक कोण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो को तुरंत देख लें।